बाबूलाल आता है, वो नाव को रंगना शुरू कर देता है। जब बाबूलाल नाव रंग रहा था तो उसने देखा नाव में छेद था। वो सोचा अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दिया जाएगा तो ये डूब जाएगी। ऐसा सोच कर वो छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। फिर जमींदार के पास जाता है और कहता है, हजूर नाव का काम पूरा हो गया, आप चल कर देख लीजिए। फिर वो दोनों नदी किनारे जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बोलता है, अरे वाह बाबूलाल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो, तुम कल सुबह आकर अपना पैसा ले जाना। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जमींदार के परिवार उसी नाव में नदी के उस पार घूमने जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर रामू, जो उसकी नाव की देख रेख भी करता था, छुट्टी से वापस आता है और परिवार को घर पर न देख कर जमींदार से परिवार वाले के बारे में पूछता है। जमींदार उसे सारी बात बताता है। जमीन